अस्सलाम वालेकुम। करैक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, ये ऐसा टॉपिक है जो कि अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो क्रिएटिविटी के बारे में आपके ख्यालात में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐड करेगी। अगर क्रिएटिविटी की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें से जो सबसे पहले नंबर पे है, दैट इज़ क्रिएटिविटी इज़ पीपल डिपेंडेंट, यानी ये ऐसी ह्यूमन सलाहियत है कि जिसकी कोई भी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, यानी ना तो इसको कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर पाई है और ना ही इसको अभी तक कोई मशीन रिप्लेस कर पाई है। और ये सारी की सारी सलाहियत कुदरत ने सिर्फ इंसानी दिमाग में रखी है कि वो कोई भी क्रिएटिव आइडिया जनरेट कर सके। और सेकंड करैक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, दैट इज इट कैरी हाईएस्ट पोटेंशियल। क्रिएटिविटी का नेचर में एंडलेस पोटेंशियल है, यानी हम देख रहे हैं कि मुसलसल क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो हमारे सामने आ रहे होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस की फॉर्म में हो, चाहे वो बिजनेस या प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स की फॉर्म में हो, और चाहे वो मेडिकल साइंसेज की फील्ड में हो। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है लिमिटलेस स्कोप। तो इसका जो स्कोप है वो इतना वाइडर है कि ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, क्रिएटिविटी आपको हर जगह पे सपोर्ट कर रही होती है। और इवन के हर जो भी आपकी ज़िंदगी का पहलू है, अगर हम उसकी फर्दर सेगमेंटेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल हम अगर बिजनेस की सेगमेंटेशन करें, चाहे आप सेल्स के फंक्शन में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप R&D फंक्शन में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या आप गवर्नमेंट में, या किसी भी फील्ड में, हर किसी फंक्शन में आपको सपोर्ट करती है। तो क्रिएटिविटी की कोई भी लिमिट नहीं है, यह हर किसी फंक्शन में आपके लिए सपोर्टिव है। और क्रिएटिविटी की नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है कि इट हैज नो कनेक्शन विद द टाइटल। क्रिएटिविटी एक ऐसी ह्यूमन स्किल है कि जिसका ना किसी पोजीशन, हायरार्की या टाइटल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्रिएटिव आइडिया कहीं से भी जनरेट हो सकता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का CEO या वो कोई मैनेजरियल पोजीशन हो, या इवन कोई जूनियर पोजीशन हो, कहीं से भी क्रिएटिव आइडिया जनरेट हो सकता है और बिजनेस के लिए वैल्यू एड कर सकता है। इसके अलावा क्रिएटिविटी इज अ बाई डिफॉल्ट स्किल इन ह्यूमन, यानी ये नहीं है कि कुछ लोग क्रिएटिव हैं और कुछ लोग क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिविटी की जो स्किल है वो हर किसी इंसान में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। हाँ, ये अलहदा बात है कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी इस स्किल के बारे में अवेयर हैं और अपनी स्किल को यूटिलाइज करते हैं और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं। देखिए, जब कुदरत ने हमें ब्रेन दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि इस ब्रेन के अंदर ये सलाहियत बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, सिर्फ हमें इसको रीडिस्कवर करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो इसकी नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है, दैट इज़ इट्स अ वेरी हाईएस्ट रेटेड स्किल। कुछ अर्सा पहले IBM ने मोर देन 1500 CEOs ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एक सर्वे कंडक्ट करवाया, जिसमें उन्होंने हाईएस्ट रेटेड स्किल्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर एरा के बारे में पूछा। तो उसमें से क्रिएटिविटी ऐसी स्किल थी जो कि टॉप रेटेड स्किल थी, जिसकी करंट एनवायरनमेंट में और फ्यूचर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में दोनों में हाईएस्ट डिमांड है। इसके अलावा जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है, दैट इज इट्स नेचुरल। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कुदरत ने हमें बहुत सारे जो सोल्यूशन है वो क्रिएटिव सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो दरख्तों की शक्ल में हो, चाहे वो बादलों की शक्ल में हो, चाहे वो बारिश की शक्ल में हो, चाहे वो सूरज और चांद की शक्ल में हो, ये सारे के सारे क्रिएटिव सोल्यूशन है टूवर्ड्स आवर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। मैं एक जगह स्टडी कर रहा था कि जो तिब्बत के लोग हैं उनकी लैंग्वेज में क्रिएटिविटी का वर्ड नहीं है, वो क्रिएटिविटी की जगह पे नेचर को यूज़ करते हैं। बेसिकली वो लोग नेचर को एज ए क्रिएटिविटी समझते हैं। तो हमें, अगर हम क्रिएटिविटी को समझना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा नेचुरल होना पड़ेगा, यानी हमें नेचर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि नेचर ने हमें किस तरह के क्रिएटिव सोल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं, चाहे वो हम अपनी बॉडी के अंदर देखें या हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में देखें, और हम उससे लर्न करने की कोशिश करें कि हम उन सोल्यूशंस से क्या लर्न कर सकते हैं, और खुद हमारी अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस के लिए जो नेचर ने हमें ब्रेन दिया हुआ है, हम इस ब्रेन को यूज़ करते हुए थ्रू आवर इमेजिनेशन हम अपनी और अपनी कम्युनिटी या अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के कैसे क्रिएटिव सोल्यूशन आइडेंटिफाई और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।